मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रसनी, आमाशय और इंटेस्टाइन के बारे में, जो डाइजेशन का लास्ट पॉइंट ही चल रहा है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें डाइजेशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इससे पहले की जितनी भी वीडियो थी, यानी कि टंग के बारे में, माउथ के बारे में, सलाइवा के बारे में, सब कुछ आपको बता दिया गया था। और एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बनाऊंगी, डायग्राम बनाऊंगी और उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ग्रसनी, जिसको हम इंग्लिश में फैरिंक्स बोलते हैं, ग्रसनी जो होता है हमारे माउथ के नीचे वाला पार्ट होता है, इसका काम कुछ नहीं होता, यहाँ पे भोजन का डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे ग्रसनी में, यानी कि ग्रसनी में हमारा जो भोजन होता है वह पाचन नहीं होता है। ग्रसनी एक रास्ता है, एक जरिया है भोजन को माउथ से ओसोफेगस यानी कि स्टमक तक ले जाने के लिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए ग्रसनी यानी कि फैरिंक्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसके माध्यम से भोजन फूड पाइप, यानी कि जो ग्रसनी यहाँ होती है उसके नीचे फूड पाइप होती है जिसे हम ओसोफेगस के नाम से जानते हैं, तो वहाँ यानी कि फूड पाइप पे पहुँचाता है। किसको पहुँचाता है? भोजन को पहुँचाता है। इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा भाग है जहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, तो हमारे ग्रसनी पार्ट में, ठीक है। ग्रसनी जो होता है खुलता कहाँ पे है? ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप में। कहाँ पे खुलता है? फूड पाइप में। तो आइए हम फूड पाइप के बारे में जान लेते हैं। फूड पाइप यानी कि भोजन नली, यानी कि ओसोफेगस के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है? ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो ओसोफेगस से नीचे की जो पाइप होती है, जो फूड पाइप बोलते हैं जिसमें फूड का ट्रांसफर किया जाता है, वो कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? यानी कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नली में क्रमांकुंचन, ये वर्ड याद रखना है आपको, क्रमांकुंचन अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। हमारे जो ओसोफेगस है यानी कि फूड पाइप है उसमें एक मूवमेंट होता है जो पहले पिचकता है फिर फूलता है, फिर पिचकता है फिर फूलता है। इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक यानी क्रमांकुंचन प्रोसेस कहते हैं। फिर से सुनिएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं? यानी कि मैम हमारे ओसोफेगस में एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा गतिविधि होते हैं जिसमें हमारी नली जो होती है पहले चिपक पिचकती है फूलती है, पिचकती है फूलती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि मैम ये मूवमेंट होता क्या है? ओसोफेगस में ये मूवमेंट के माध्यम से भोजन हमारे आमाशय तक जाता है। हम किसी चीज़ को, अगर किसी कोई चीज़ ऐसा चीज़ जैसे पाइप ले लीजिए, पाइप को दबाइए पानी नीचे जाएगा, फिर दबाइए नीचे जाएगा, तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जो भोजन होता है ना हमारे आमाशय तक जाने में हेल्प करता है। आमाशय का मतलब होता है स्टमक तक जाने में। तो इस नली में यानी इस नली में मतलब ओसोफेगस में क्रमांकुंचन यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो फूलता और पिचकता है। इसके माध्यम से भोजन आमाशय में भेजा जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं अब आमाशय का। हमारा जो ओसोफेगस है कहाँ पे ओपन होता है? आमाशय में ओपन होता है, यानी कि आमाशय में खुलता है, यानी कि स्टमक में खुलता है। आमाशय के ना जितने भी एंजाइम है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो आमाशय के जितने भी एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए, यह पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा एवं थैलीनुमा भाग होता है। सबसे चौड़ा यानी कि चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, और थैलीनुमा स्ट्रक्चर माना जाता है। माना जाता है कि जो हमारा आमाशय है वो जे शेप का होता है। किस शेप का होता है? जे शेप का होता है। जे ये कुछ इस आकृति का, देखिए मैंने यहाँ पे आमाशय का छोटा रूप बना के रख दिया है। अब मानते हैं कि हमारे आमाशय का तीन भाग होता है। कितना भाग होता है? तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैम? एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिंग, एक होता है पाइलोरिक। हम आमाशय के जितने भी रस हैं, जितने भी एंजाइम हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लोग चिंता ना कीजिएगा, मैं आमाशय को डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो कार्डियक फंडिंग कहाँ पर होता है? यह खाद्य नली से जुड़ा होता है। अब सुनिए, आमाशय ये है और ये फूड पाइप है, तो जब फूड पाइप आमाशय में खुल रहा है तो जो कार्डियक भाग होगा वो फूड पाइप से जुड़ा होगा। बिल्कुल, अगर ये मेरा हाथ है, इस हाथ के नीचे ये हाथ आ रहा है, तो उसी तरह मान लीजिए कि फूड पाइप है और ये फूड पाइप अटैच है किस आमाशय के कौन से भाग से? कार्डियक भाग से, ठीक है। सेकंड जो होता है फंडिंग होता है, जिसमें HCL होता है, ये बताऊंगी मैं आपको। पाइलोरिक होता है, सबसे आमाशय का नीचे वाला भाग माना जाता है। पाइलोरिक कहाँ पे खुलेगा? छोटी आंत में। अब आमाशय के बाद आपको पता होगा कि छोटी आंत आता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, यानी कि छोटी आंत क्या होता है मैम? यह छोटी आंत से, सॉरी, यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा
शरीर का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत और सबसे चौड़ा हिस्सा अमाशय होता है। पाचन तंत्र में जो हमारा छोटी आंत होता है लंबा हिस्सा इसलिए माना गया है क्योंकि ये बहुत ही लंबी होती है। नाम इसका भले ही छोटी आंत है लेकिन इसका जो लंबाई है बहुत ही ज्यादा है। यानी कि कितना है मैम, 6 to 7 meter होता है, यानी कि 7 meter लगभग इसकी लंबाई होती है। इसलिए हमारे शरीर में कॉइल यानी कि घुमावदार करके रखा गया है। अगर ये खुल जाएगा तो हमारी हाइट से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको क्या करके रखा गया है, कोल गोल करके यानी कि कॉइल स्ट्रक्चर पे कुछ इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, इसमें पूर्ण पाचन होता है, हमारे भोजन का पूर्ण डाइजेशन जो होता है कहाँ पे हो जाता है, छोटी आंत में ही हो जाता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। आपको छोटी आंत के 3 भाग याद रखना है, यानी कि कौन कौन से होते हैं, ड्यूडेनम जेजेनम इलियम। क्या होते हैं, देखिए एस आई की शादी में DJI, डीजे मतलब ड्यूडेनम, जे मतलब जेजेनम, आई मतलब इलियम। ये आपके लिए निमोनिक है, ठीक है, छोटा सा याद रखने के लिए कि SI की शादी में DJI का मतलब क्या है, ड्यूडेनम जेजेनम इलियम। याद हो गया होगा, SI स्मॉल इंटेस्टाइन के शादी में ड्यूडेनम जेजेनम इलियम, DJI। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये वीडियो अगर समझ में नहीं आएगी तो आप एक बार और देखिएगा, आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो छोटी आंत होती है वो कहाँ पर होती है, हमारी बड़ी आंत में होती है। बड़ी आंत में पानी का डाइजेशन हो जाता है, पानी का पाचन हो जाता है। और इसके भी 3 भाग होते हैं, सीकम कोलन रेक्टम होते हैं। आप सोचोगे कि मैंने इसके लिए कोई ट्रिक बता दी थी, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि बड़ी आंत में क्या होते हैं, सीकम कोलन रेक्टम। अगर देखिए आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 याद कर लेना, ड्यूडेनम जेजेनम इलियम, तो ऑटोमेटिक आपको पता होगा कि ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है तो आएंगे नहीं, तो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम कोलन और रेक्टम होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उस वीडियो में हम जानेंगे अमाशय के जितने पार्ट है, यानी कि सॉरी अमाशय के पार्ट और उसमें डाइजेशन का जो पाचन प्लस होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव जूस होते हैं, SCL वगैरह होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।